आनंद शर्मा और आज हम खड़े हैं दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में। यहाँ एनजीओ संवाद सम्मेलन आयोजित किया गया है भाजपा के द्वारा। मुझे लगता है कि जितना इस सरकार में महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण हुआ है इतना पहले कभी नहीं हुआ। बहुत सारे नियम कानून पहले से हैं, लेकिन महिलाओं के बारे में मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि अधिकारों से कुछ नहीं होता, अधिकार कितने लोग उसे मानते हैं और कितने लोग उसको मानकर महिलाओं को वो अधिकार देते हैं वो बड़ी बात है। तो अधिकार है आपके पास, संविधान के अनुसार आप बराबरी का अधिकार है, लेकिन मिलता कितना वो बड़ी बात। तो मैम आपको क्या लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कि सरकार ने अपने वादों पर पूरी तरह से खड़ी उतरी है? देखिए, इसमें तो मैं बिल्कुल एक बात कह सकती हूँ कि ये तो कहिए कि योगी जी की किसी महिला बहन बेटी के साथ आप एक चौराहे पे कुछ बदतमीजी करके देखिए, अगले चौराहे पे आपको उसका प्रतिफल मिल जाएगा। आपको मिनट नहीं लगेगी, आप एक चौराहे क्रॉस करके दूसरे पे पहुंचिए तो सही। देखिए, ये एक विश्वास, एक सुरक्षा का जो एहसास है, हम इतना क्षेत्र में घूमते रहते हैं, ये महिलाओं के अंदर आ गया है कि भाई हम योगी सरकार में, मोदी सरकार में हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। कहीं काम पे जाना है, कुछ काम करना है, कहीं आना है जाना है, अब हमें समय की बात देता नहीं है। तो किसी भी तरह से महिलाएं अब ये फील नहीं करती कि वो असुरक्षित है। और दूसरी बात, अगर किसी का बुरा वक्त है या किसी के साथ कुछ गलत हो भी जाए तो उसमें सरकार न्याय के लिए बैठी है, वो बड़ी चीज है। देखिए, समय खराब किसी का भी हो सकता है, आप हमेशा नहीं रोक सकते अपराधों को, लेकिन अपराधों पर त्वरित न्याय होता है या नहीं, ये भी एक बड़ी चीज। मैम जैसे कि आप यहाँ आई हैं, ये प्रोग्राम है एनजीओ संवाद सम्मेलन, तो मैम इसमें आपको क्या आगे बदलाव चाहती हैं या क्या ऐसा कार्य चाहती है कि सरकार के द्वारा आप सभी एनजीओ वालों को मिले? मेरा ये सवाल आप सभी से। मैं जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने मुझे 2014 में चाय पे चर्चा पे बुलाया तो मेरा सवाल उनसे भी वही था कि भाई जैसे लिज्जत पापड़ है गुजरात में, ऐसा हमारा कोई अपना उपक्रम होना चाहिए। आज यूपी में खादी का सबसे बड़ा उपक्रम गाजियाबाद में उनके आशीर्वाद से खुलने जा रहा है, बहुत बड़ा उपक्रम है और वो पूरी तरह से तैयार है। ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि हर राज्य का एक अपना व्यक्तिगत, मतलब महिलाओं के द्वारा बनाया हुआ कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जिसे देश में ही नहीं दुनिया में भी सारे लोग जो है यूज करें। आप कौन से कार्य क्षेत्र में बदलावों की उम्मीद रखती हैं सरकार से? मुझे लगता है कि बदलाव एक सतत प्रक्रिया है और आप हमेशा कभी भी बदलाव को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। बदलाव स्वतः होता है, मतलब खुद होता है बदलाव, आप ऐसा नहीं है, लेकिन बदलाव होता तब है जब आप उसकी इच्छा रखते हैं। अब यदि आप बदलना ही ना चाहें तो चीजें फिर वैसे ही सड़ती गलती रहेंगी। तो बदलाव एक इच्छा से होने वाली सतत प्रक्रिया है। देश इस वक्त बदलाव चाहता है, राष्ट्रवाद के साथ, मोदी जी के साथ पूरी दुनिया में देश का परचम आगे बढ़ाने। मैम जैसे कि अयोध्या के बाद काशी और अब मथुरा, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। धन्यवाद।